ये वीरों की भूमि है और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए, राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए, राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्तापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है, मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर चार लेन जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एम्यूनिटी बनाई है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे, उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं उसके लिए आपको जगह उपलब्ध कराकर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए, उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं, पर शायद इधर सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको यह सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी, उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और अब जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था, तो मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी के ऊपर रखा और एक बूंद हला नहीं, ऐसे रास्ते हमारे देश में बने। मुझे बहुत खुशी है
कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे अभी योगी जी ने कहा, ये कॉरिडोर एक ग्रोथ इंजन बनेगा और निश्चित रूप से इसमें 211 किलोमीटर का काम अवार्ड हुआ है और बाकी 200 किलोमीटर का काम जून तक अवार्ड हो जाएगा। मैं और विशेष रूप से आपको बताना चाहूँगा कि योगी जी से मैंने अनुरोध किया कि इस कॉरिडोर के बाजू में हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाए, हम लोग फूड ग्रेन के गोडाउन बनाए, हम लॉजिस्टिक पार्क बनाए। मैंने उनको कहा कि मेरे क्षेत्र में मैंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई और मैं 100 कंटेनर सब्जियां हमारी कंपनी अमेरिका, कनाडा और दुबई को भेजती है और वो सब्जियां साल भर ताजी रहती है, उसको IQF टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब 1 रुपए किलो आलू हो गया, किसानों की बहुत बड़ी समस्या, अगर स्टोरेज कैपेसिटी खड़ी होगी तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार जो है गांव, गरीब, मजदूर, किसान, इनके कल्याण करने वाली सरकार है और मुझे खुशी है कि योगी जी उनके नेतृत्व में ये योजना बन रही है। सांसद अनुराग शर्मा जी ने मांग की थी कि झांसी के पश्चिम हिस्से में 15 किलोमीटर पुराने बाईपास में ट्रैफिक बढ़ने के कारण हमने 111 करोड़ की लागत से 3 स्टोरी का इंटरचेंज बनाया रहे, जिसका टेंडर अप्रैल 2023 में हो जाएगा। पहले तल में फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे तल में एट ग्रेड जंक्शन बनाया जाएगा ग्वालियर से शिवपुरी के लिए, पहले इसमें झांसी से ग्वालियर के लिए, और भूतल में अंडरपास बनाया जाएगा जिससे कानपुर से शिवपुरी आने जाने के वाहन गुजरेंगे। मैं तो अभी 3-3 मंजिले के फ्लाईओवर बना रहा हूँ। चेन्नई में एक फ्लाईओवर 12,000 करोड़ का बना रहा हूँ, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। नागपुर में, मेरे शहर में, मेरे मतदार क्षेत्र में पहली बार बना रोड, नीचे में, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो अभी है। पूना में बना रहा हूँ और मैं योगी जी से अनुरोध करता हूँ कि जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहां मुझे बताइए, मैं 2 स्टोरी 3 स्टोरी के फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में भी बना के दूंगा।